नमस्कार पैलाग, प्रणाम आप सभी को। आज घुघुतिया का त्यौहार है और आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाइयाँ, और हमारे उत्तराखंड के लोक पर्व घुघुतिया त्यौहार की भी आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। आज घुघुते बनाने हैं, खजूरें बनाने हैं, तो आज दिन भर का जो भी चीज़ें हम लोग घुघुते जो भी चीज़ें बनाते हैं वो सब आपको आपके सामने होंगे। तो अभी तो मैंने नहा रखा, हो रहा है बहुत ठंड, और ये देखिए मेरी खिड़की से ही अंदर धूप आ रही है, और मेरी छोटी बेटी सौम्यता रजवार सेक रही है धूप, और मैं भी इनके साथ बैठती हूँ। आप देखिए नैनीताल का खुला हुआ मौसम, कितनी बढ़िया धूप आ रही है। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल बुरास कुमाऊं नैनीताल से में। और देखिए अब मेरी चलने लग गई है घुघुते बनाने की तैयारी, और ये देखिए मैंने रख दिया है घुघुतों के लिए पानी, ताकि अभी इसे उबाल के रख दूंगी तो ये कुछ समय बाद थोड़ा ठंडा हो जाएगा और आटा गूंदने में थोड़ी आसानी होगी, तो ये तब तक उबलता है। मैं तो अभी भी बैठी हूँ धूप में, और ये देखिए एक हमारी बिल्ली जो धूप सेक रही है। बिल्लियों को भी ठंड बहुत लगती है ना। ओ जो आज धूप बहुत अच्छी आ रही है, तो मन ही नहीं कर रहा है उठने का धूप में से। ये देखिए धूप, मौसम पूरा साफ हो रहा है आज बड़े दिनों बाद नैनीताल में। हेलो गाइस, तुम भी आ गई धूप सीखने? भगा दिया ना बिल्ली को? नहीं बाबा प्लीज, भगाओ मत ना उसे, मैं भगा नहीं रही बैठने दो, तो उसको। धूप में बैठने दो। तैयारी हमारे घुघुते बनाने की, और ये देखिए मैं आटा गूंदने के लिए ला गई हूँ, जिसमें गुड़ गुड़ का पानी हो गया, आटा, सूजी, घी और सौंफ हो गई। तो मैं गूंदती हूँ आटा। अभी भी बैठे हैं हम लोग धूप में, और ये सौम्यता रजवार हो रही है नाराज क्योंकि इनका कार्टून नहीं लग रहा। लगाओ मान्यता कार्टून उनका, लगाओ जल्दी। धूप से उठने का मन ही नहीं कर रहा है। घुघुते बनाने हैं अभी, आटा रख दिया था हमने थोड़ा सा, थोड़ी देर धूप में बैठ जाओ तो फिर उठने का मन ही कहाँ करता है। धूप भी बढ़िया आ रही है। लग गया कार्टून समूह, लग गया। अब हंस दो तो, जरा इधर देखो तो। समीर कहाँ हो? इस्माइल से थैंक यू दीदा, थैंक यू दीदी। लग गया, क्या लगा रखा है ये कार्टून में? क्या होगा, नाम है इस कार्टून का? टीटू टीटू। हाँ टीटू है। देखिए मेरी खिड़की से कितना बढ़िया व्यू दिख रहा है। बनाते हैं हम लोग घुघुते। ये तो मैंने गूंद रखा घुघुते और खजूरों का आटा, और ये मैंने बना रखा नमक पारों का आटा, उसको मैं रख देती हूँ अलग। और पहले हम बना लेते हैं घुघुते और खजूरे, बने रहिए आप लोग। ये देखिए सौम्यता ने सारे घुघुते बना दिए हैं, डमरू भी बना रखा अपने लिए, खजूरे भी बना रखे हैं, शकर पारे भी बना रखे हैं ना सोमू? किसने बनाए ये हैं सच्ची? अच्छा अब हम घुघुतों को कल सुबह को तलेंगे,
क्योंकि शाम को थोड़ा सूख जाते हैं और सुबह को ही ये कौवों को दिए जाएंगे, तो इसलिए अभी इनको रख देते हैं हम लोग सूखने के लिए। अभी ये लोग कह रहे थे कि थोड़े सिंगल भी बना दो, तो सिंगल बनाती हूँ। तो आप सभी को हमारे उत्तराखंड के लोग पर्व घुघुती त्यौहार की बहुत बहुत ढेरों बधाइयाँ, और मुझे उम्मीद है सभी ने अपने घरों में ऐसे बनाए होंगे। कुछ लोगों के यहाँ घुघुते नहीं बनते हैं तो वो लोग खजूरें बनाते हैं। तो मिलती हूँ आपको कल सुबह। सौमिता बहुत खुश है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कल अब ये सब तलेंगे तो उनके लिए एक माला बनेगी, तो कल सुबह तलने के बाद ही हम इसकी माला बनाएंगे। तो आज घुघुतिया त्यौहार बोलते हैं, तो आज हमने बड़े अच्छे से मनाया इसे, और मुझे उम्मीद है कि सभी ने मनाया होगा। तो प्लीज़ आप सभी लोग मेरे चैनल पर जाएं और उसे सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट भी करें, शेयर भी करें, ताकि यूट्यूब में और लोग भी जुड़ सकें। तो आप सभी का मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने लोग भी मेरे साथ जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत आभार। आप सभी को एक बार फिर से हमारे उत्तराखंड के लोक पर्व घुघुती त्यौहार की बहुत बहुत बधाई।